सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मेरा ताल्लुक फतेहपुर टिकाला से है। ये अगर ओवरऑल स्टेट लेवल की बात की जाए तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट इन करंट और इन करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट। और चूंकि अगर देखा जाए तो देर वॉज अ यू नो स्टेट ऑफ सफिकेशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली दोज पार्टीज लाइक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, द इंडिजिनस पार्टीज विच वॉज डेलिब्रेटली पुश टूवर्ड्स द वॉल। चूंकि जो रियासती जमात है, इससे मैंने पिछले दिनों पर बात की थी कि इस जमात को, रियासती जमात को, इस आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप को सुतीला सलूक किया गया इसके साथ। लेट आए हो, यहाँ पे एक जो आम सी एक बात है कि जो मरकज में हुकूमत है, जो पाकिस्तान में हुकूमत है, उसी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लिया। तो बदकिस्मती के साथ कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट बना हुआ है, लोगों का माइंड सेट है, और इसको श्रिंक करते 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 एक दो तीन सीट तक ले आए थे। आई थिंक अगर ओवरऑल एक जिसको कह सकते हैं आप न्यूट्रल एक तजिया पेश किया जाए तो ये जो डेवलपमेंट है, ये यूं समझें जी के ये एक जिसको कह सकते हैं ना एक बिग बैंग की तरह एक जो वो होता है, ये वो है आज़ाद कश्मीर की सियासत में, और हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन ठीक है, लोकली कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं जो मे बी हमारी भी हों, हो सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, आज़ाद कश्मीर की सियासी तनाजुर में देखा जाए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपमेंट इन करंट पॉलिटिकल सिनेरियो। सरदार सिकंदर आयात खान के आने से आप समझते हैं कि कश्मीर की पोजीशन, जो मसला कश्मीर है उस पर दूरदर्स असरात मरतब होंगे? मैं कोई बात बता दूँ, सरदार जमहूरियत की एक अपनी फिलासफी है, एक उनकी अपनी आइडियालॉजी है, जो आइडियालॉजी मुजाहिद अव्वल किबला सरदार अब्दुल क्यूम खान साहब की, वो आइडियालॉजी, वो फलसफा, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाट वाज द एग्जैक्ट यू नो फैक्टर वाज बिहाइंड दैट आइडियालॉजी वाज नॉट बीन ट्रांसलेटेड एट द ग्रास रूट लेवल। वो आइडियालॉजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हर वर्कर, हर वोटर, हर सपोर्टर के डीएनए में बिल्कुल जो मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क्यूम खान, वो फलसफा, ही वाज द इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन थे। अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट आइडियालॉजी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ये डेवलपमेंट है उनकी आइडियालॉजी को जिंदा रखने के लिए, नजरिया इलाके पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए, तहरीक आज़ादी को जिंदा रखने के लिए, दिस इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू टूवर्ड दैट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास